हाय फ्रेंड्स, आज मैं ट्रैवल पर्पस को ध्यान में रखते हुए एक पेरेंट्स जब बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है और या फिर बेबी आफ्टर 6 मंथ में जब हो जाता है तो उस समय बेबी को ध्यान में रखते हुए और उनका ट्रैवल पर्पस को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आपके सामने आया हूँ मैं। और ये है मिमिका स्ट्रोलर। आप लोग सब जैसा कि जानते होंगे कि प्रैम और स्ट्रोलर दो तरह के ट्रैवल पर्पस में यूज़ किया जाता है, लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर स्ट्रोलर को इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजी टू कैरी होता है और सबसे बड़ा इसका रीज़न है क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड होता है। बहुत लाइट वेटेड होने के कारण आसानी से आप इसे कंधे पे एज अ अम्ब्रेला फोल्ड करके कहीं भी कैरी करके इजिली आप लेके जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में जो दो कलर्स में ये अवेलेबल है, इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये है MM8369B, ये रेड कलर में है और ये पिंक कलर में है। तो मैं जैसा इसका सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक इसका इसके बारे में इसके फैब्रिक के बारे में आपको बता दूं, इसमें 100% हाईली ब्रीदेबल मिक्स फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक होता है जिससे बेबी को किसी ढंग का सफोकेशन वगैरह या बेबी को किसी ढंग का इचिंग या रैशेज वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं होता है। इसके अगर और इसके जो मेटल की बात करें तो इसमें जो मेटल्स दिया गया है ये 100% पाउडर कोटेड मेटल है। पाउडर कोटेड मेटल का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि पाउडर कोटेड मेटल कभी भी उसमें रस्ट नहीं लगता है और बहुत लाइट वेट होता है, तो इसके कारण हम लोग इसमें पाउडर कोटिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सिंगल हैंडेडली इसे आप एक फिंगर से मैं इसे उठा सकता हूँ, काफ़ी लाइट वेट है, आसानी से आप इसे उठा सकते हैं। और अब इसके फंक्शंस और ऑपरेशंस के बारे में अगर हम लोग इसकी बात करें कि आप कैसे कस्टमर्स हैं आपके सामने तो आप कैसे इसे दिखा सकते हैं कस्टमर्स को, कैसे इसको ईजिली कस्टमर्स इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका हैंडल कर्व काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ कर्व दिया गया है और साथ में कर्व्स पे इसका हैंडल्स पे जो कर्व है कर्व के ऊपर कुशंस दिया गया है। ये कुशंस जो हाथों में कई बार क्या होता है ना, कई बार हम लेके चल रहे हैं काफ़ी समय हो जाने के बाद हाथों में स्वेटिंग होने लग जाता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये स्वेटिंग आने उतना ज़्यादा देता नहीं है और काफ़ी सॉफ्ट रहता है हाथों में। खासकर ठंड के दिनों में जब मेटल कर हम लोग होल्ड करेंगे तो काफ़ी ठंड में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठंड में होल्ड करना मेटल ठंडा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी काफ़ी अच्छा फील देगा या आपको वार्म फील देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके डिज़ाइन की आप देख सकते हैं कि आइस का यहाँ पर डिज़ाइन बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव कलर, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। अगर हम इसके ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम इसे काफ़ी बड़ा कैनोपी दिया गया है और ये कैनोपी आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये है, कुछ नहीं आपको एक फिंगर से इसको अप करना है, इस साइड से भी अप करना है और कैनोपी आपका कंप्लीट फोल्ड हो जाएगा। और इसे फिर से अगर आपको फोल्ड करना है ओपन करना है कैनोपी इस ढंग से आपने टाना और इसको जस्ट थम से नीचे की साइड प्रेस कर दीजिए दोनों साइड से, थम से सिंपल सिंगल फिंगर से आपका एक ये आपका कैनोपी मूवमेंट हो रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसका पीछे साइड में भी देखिए पूरा पैक रहता है बेबी कि पीछे से भी कोई हवा वगैरह या फिर डस्ट वगैरह कुछ भी बेबी के या इंसेक्ट या मॉस्किटोज वगैरह न अंदर जा सके, इसके लिए पूरा पैक रहता है बैक साइड से भी। अगर हम इसका पोजीशन इसकी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें मल्टीपल पोजीशंस आप इसमें अपने बेबी के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए जस्ट कुछ नहीं, इसको ऐसे प्रेस करना है और इसको बैक साइड में पुल करना है, ये अपने आप पोजीशन इसका ऊपर चला, जिस पोजीशन में आपको लाना है इसको दबा के आप ऊपर की साइड खींचिए, आपका ये सिटिंग पोजीशन हो गया और फिर से इसको दबा के आप बैक साइड खींचते जाइएगा जिस पोजीशन पे आपको चाहिए, ये रिक्लाइनिंग पोजीशन तक आता है। आप लोग सबको पता ही होगा कि स्ट्रॉलर में दो पोजीशन होते हैं, जहाँ प्रैम में हमारे पास 3 पोजीशंस होते हैं स्ट्रॉलर में 2 पोजीशन होते हैं और स्ट्रॉलर इसी कारण से हमेशा आफ्टर 4-5 मंथ्स जब बेबी सपोर्टिव सेटअप हो जाता है आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं क्योंकि बेबी उस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा सपोर्ट लेकर बैठना सीख जाता है 5-5 मंथ के बाद से, तब हम लोग स्ट्रॉलर देते हैं क्योंकि स्ट्रॉलर में 2 ही पोजीशंस होते हैं, स्लीपिंग पोजीशन जो होता है स्ट्रॉलर में नहीं होता है। तो हमने इसके कैनोपी के बारे में बात किया, कैनोपी को हम लोगों ने देखा, उसके बाद इसके पोजीशंस के बारे में बात किया। अब इसकी हार्नेस बेल्ट को हम लोग अगर देखें तो देखिए इसमें 5-way सेफ्टी हार्नेस बेल्ट दिया हुआ है और बहुत ही स्मूथ फिनिश के साथ बेल्ट भी हार्नेस बेल्ट भी दिया गया है ताकि कहीं भी बेबी को किसी ढंग का स्क्रैचेस वगैरह या बेबी को कहीं कुछ इंजरी ना हो जाए। इसे जस्ट आपको प्रेस करना है, प्रेस करके आपको चारों तरफ से इसको खींच लेना, ये ओपन हो जाता है हार्नेस बेल्ट इस ढंग से और उसके बाद आप इसे अपने इसी ढंग से ओपन आप इसे फिक्स कर सकते हैं। ये हो गया इसका 5-way, ये नीचे से आ जाएगा, दोनों शोल्डर से आ जाएगा और ये दोनों वेस्ट से आ जाएगा, ये आपका हार्नेस बेल्ट है। इसके साथ में आपके बेबी को यहाँ पकड़ने के लिए काफ़ी सॉफ्ट कुशंस दिया, पैडेड कुशंस पैडेड है और
काफी सॉफ्ट है ये, ताकि बेबी इसे आसानी से पकड़ सके, होल्ड कर सके, एक अच्छा ग्रिप बना सके बेबी को, बेबी को मिलता है। बेबी अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, पैर वगैरह होता है, तो यहाँ पे फुटरेस्ट भी यहाँ उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा कई बार पार्क वगैरह में हम लोग देखते हैं कि बेबी को लेकर जब चलते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें स्ट्रेट चलाना होता है, ये रिवॉल्विंग 360 डिग्री रिवॉल्विंग व्हील्स के साथ में है। अगर हमें स्ट्रेट चलाना है तो कुछ नहीं, जस्ट इसे इस ढंग से करना है और इसे अप कर देना है। अब ये मूवमेंट रिवॉल्विंग नहीं होगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसे इस ढंग से करके ऐसे इसको जस्ट अप साइड में प्रेस करिएगा तो आपका ये रिवॉल्विंग नहीं हो जाएगा, होगा स्ट्रेट। अब आपका वो स्ट्रॉलर जो है बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। इसके अलावा इसमें और भी एक बेनिफिट आपको मैं दिखा देता हूँ कि घर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग बच्चे उसको धक्का दे दिए तो स्ट्रॉलर आपका बढ़ जाएगा आगे, बेबी को हर्ट हो सकता है आपका बेबी। इसके कारण इसमें हम लोगों ने बैक साइड में, बैक व्हील्स में ब्रेक्स भी दिया हुआ है, जो आसानी से आपके पैरों से ही ब्रेक्स लग जाएंगे और ये प्रैम फिर मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। और फिर अगर ब्रेक्स ओपन करना है मूव करवाने के लिए, मूवमेंट के लिए, तो आप इसे ओपन कर दिए इस ढंग से आपने, तो ये आराम से ये चलना स्टार्ट कर देगा फिर से। अब इसे हम क्लोजिंग क्लोज कैसे किया जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी है, तो कैसे आसानी से इसको फोल्ड किया जाए, एकदम सिंगल अम्ब्रेला फोल्ड की तरह यह फोल्ड हो जाता है और बहुत आसानी से आप इसे शोल्डर्स पे कैरी कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट इसका जो ये नॉब है इसको बैक साइड खींच के ऊपर की ओर पुश करना है ये आसानी से, और सामने की ओर स्ट्रॉलर को ढंग से आप पुश कीजिएगा तो ये पूरा कंप्लीट पैक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका लॉक दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे लॉक कर दिए आपने, और इसके साथ ही यहाँ पे इसका आप इसे आसानी से एज अ अम्ब्रेला फोल्ड आप इसे शोल्डर्स पे अपने कैरी करके आप लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। इसको एडजस्ट करके आप इसे ओपन कर लें यहाँ से और इसे एडजस्ट करके आराम से कहीं पे भी इजिली कैरी करके लेकर जा सकते हैं। और फिर ओपन करना हो तो आप इसे कुछ नहीं, बस इसको यूं प्रेस करके इसको ऊपर की साइड पुश करिए और ये खुल जाता है। तो ये इसे हमने अनलॉक किया और उसके बाद फिर से इसे ऐसे करके ओपन किया और वापस यहाँ अपने शूज से ही जस्ट इसे पुश करेंगे, ये फिट हो गया, ये अपना खुल गया पूरा या स्ट्रॉलर। ये पीछे से ढंग से करके हम इसका कैनोपी ऐसे करके जस्ट ऐसे ओपन कर दिया। तो आपने देखा कि काफ़ी लाइट वेट, इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी, बहुत ही अच्छा विद ब्रेक फैसिलिटीज और आप 360 डिग्री रोटेटेबल व्हील्स के साथ में आपको ये स्ट्रोलर मिल रहा है। और ये हमारे पास में दो तीन कलर्स में अवेलेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो रेड है और ये पिंक है, और इसके अलावा और भी कलर्स अवेलेबल हैं। होप आपको ये प्रोडक्ट और ये वीडियो हमारा काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू।